दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ई श्रमिक कार्ड की जो साइट है वो रह रह करके चल भी रही है और बीच में बंद भी हो जाती है। तो दोस्तों, इसी में बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सीएससी से अपना ई श्रमिक कार्ड बना भी रहे हैं। तो दोस्तों, सीएससी से ई श्रमिक कार्ड कैसे बनाएंगे और सीएससी की वो कौन सी साइट है जिसके माध्यम से सभी लोग सीएससी के माध्यम से अपना ई श्रमिक कार्ड है वो बना रहे हैं, तो आज मैं आपको उसी साइट के बारे में ही बताऊंगा कि आपको किस प्रकार से उस साइट को ओपन करना है। सीएससी पर यदि आप जाओगे तो वहाँ पर NDUW यदि आप लिखोगे तो वहाँ पर श्रमिक कार्ड की एक सर्विस आ जाएगी, लेकिन उसके ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वह सेल्फ रजिस्ट्रेशन वाली साइट के ऊपर आपको ले जाता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको सीएससी की उस साइट के बारे में बताऊंगा जिससे सभी लोग अपना ई श्रमिक कार्ड है वो बना रहे हैं। आप भी अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में उस साइट को ओपन करके सीएससी की उस साइट को ओपन कर सकते हैं और अपना ई श्रमिक कार्ड बना सकते हैं, जिससे सभी लोग बना भी रहे हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे वीडियो बनाए भी हैं, तो उन वीडियो में मैंने आपको बताया भी था कि इस प्रकार से सीएससी आईडी से हम जो ई श्रमिक कार्ड है वो बनाएंगे, लेकिन बहुत सारे लोगों ने मुझे ये बताया था कि ये फेक वीडियो है और या तो स्क्रीनशॉट आप भेज रहे हो और या आप जो पुराना वीडियो अपलोड कर रहे हो। तो दोस्तों, आज मैं आपको उसी साइट के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, आपको इस साइट को कॉपी कर लेना है। इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। दोस्तों, इस साइट को क्या करना है कि register.eshram.gov.in इस साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें अपनी चेंज करनी होगी। यहाँ पर दोस्तों सीएससी आईडी लिखी हुई है, मैंने यहाँ पर सीएससी आईडी लिखी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर आपको सिर्फ इन शब्दों को हटाना है और अपनी सीएससी आईडी को यहाँ पर पेस्ट कर देना है, यानी अपनी सीएससी आईडी यहाँ पर लगा देनी है। दोस्तों, इसके बाद में जो सीएससी में आपने अपना जो मेल आईडी दी है वो यहाँ पर xyz@gmail.com इसके ऊपर आप लगा दोगे, यानी आपकी जो भी मेल आईडी है वो यहाँ पर आप लगा दोगे। इसके बाद में दोस्तों आपको आगे चलना है। लास्ट में यहाँ पर लिखा हुआ है फुल नेम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है स्पेस सहित। जैसे मैंने यहाँ पर अपना नाम लिख दिया गणेशा और स्पेस लगा करके राम, तो आपको बस इतना ही करना है। इस साइट को यहाँ से बाद में कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद में आपको किसी भी ब्राउजर में इसको ओपन कर लेना है। जैसे आप एंटर प्रेस करोगे तो आपकी यह साइट है जो सीएससी के अंदर ओपन हो जाएगी। दोस्तों, एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूं कि यहां पर आपको अपनी सीएससी आईडी लगानी है, यहां पर आपको मेल आईडी लगानी है और यहां पर आपको अपना जो नाम फुल है वो लगाना है, यानी जैसा भी आपका नाम है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है उसी प्रकार से आपको भी अपना नाम है वो यहाँ पर लिख देना है। तो आप देख सकते हो इस साइट को, तो इस साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसे कॉपी कर सकते हो, ओपन कर सकते हो और इसे अपने ब्राउजर में ओपन कर सकते हो। तो दोस्तों, मैं आपको इसी प्रकार से दोबारा से यहाँ पर ओपन करके भी दिखाता हूँ अपनी आईडी को। आप किसी की भी आईडी यहाँ पर ओपन कर सकते हो, किसी की सीएससी आईडी लगा करके। मैंने बहुत सारे ग्रुप भी देखे हैं जो व्हाट्सएप के हैं, उसमें लोग अपना लिंक यहां पर पेस्ट कर देते हैं और कहते हैं कि इस लिंक के ऊपर क्लिक करिए और यहां से आप ई श्रमिक कार्ड बनाइए ताकि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम न आए। यानी दोस्तों, वो अपना ट्रांजैक्शन बढ़ाना चाहते हैं, वो अपने ई श्रमिक कार्ड बढ़ाना चाहते हैं, तो आप भी इस प्रकार से अपना लिंक है जो बना सकते हो। तो मैं यहां पर अपनी जो आईडी है वो ओपन कर लेता हूं। तो आप देख सकते हो मेरे पास में इस प्रकार से मेरी जो साइट है वो ओपन हो जाएगी। थोड़ी धीरे ओपन होगी लेकिन ओपन हो जाएगी। यदि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं, तो मैं आपको एनी डेस्क पर लेकर के आपको थोड़ी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आप देख सकते हो कि मेरी जो यहाँ पर सीएससी के आईडी वाला ऑप्शन है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। अब आप देख सकते हो यहाँ पर अब EUW रजिस्टर का एक ही ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है, बाकी ऑप्शन यहाँ से हटा लिए गए हैं। आप इस EUW रजिस्टर पर क्लिक करोगे तो आपके सामने इस प्रकार से मोबाइल नंबर वाला ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे और मोबाइल नंबर डालने के बाद में आपको यहाँ पर कैप्चा फिल करना है। आगे की सारी प्रक्रिया मैंने आपको दूसरे वीडियो में बता दी है, तो आप वहाँ से जा करके भी उस कार्ड को बनाने की प्रक्रिया है वो देख सकते हो। तो दोस्तों, इस प्रकार से यहाँ पर आप OTP सेंड करोगे। OTP सेंड करने के बाद में आपके पास में आधार कार्ड वाला ऑप्शन आएगा और वहाँ पर आप अपना फिंगर लगा करके, आयरिस लगा करके या OTP से भी इसे लॉगिन करके और लोगों के कार्ड है जो बना सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि आपको ये छोटा सा वीडियो पसंद आया हो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ जाता है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, साथ में कमेंट बॉक्स में कमेंट भी लिख देना। चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।